पैलेस्टाइन में खुलने जा रहा दुनिया का पहला एयरलाइन रेस्टोरेंट। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो खुली आंखों से ख्वाब देखो और फिर उसे पूरा करने में जुट जाओ। कलाम की यह उक्ति फिलिस्तीन के दो जुड़वा भाइयों पर सटीक बैठती है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में रहने वाले आता और खामीज अल सायराफी 60 साल की उम्र पार कर चुके दोनों भाइयों ने खुली आंखों से ख्वाब देखा कि उनका ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो। करीब 25 साल के इंतजार और 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है। वे पहले स्क्रैप डीलर का काम करते थे। वर्ष 1999 में उन्होंने सुना कि उत्तरी इजराइल में एक बोइंग विमान बिक्री के लिए उपलब्ध है। वह विमान अब उड़ान नहीं भरता है। दोनों भाइयों ने इस विमान को खरीदने का फैसला किया। उन्होंने प्लान किया कि इस विमान में वे एक शानदार रेस्टोरेंट खोलेंगे। यह ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसमें लोगों को लग्जरी सुविधाओं के बीच लजीज व्यंजन खाने का मौका मिलेगा। उन्होंने मालिक से बात की और करीब 75 लाख रुपए चुकाकर इसे खरीद लिया। करीब 20 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करके वे इसे वेस्ट बैंक ले लाए। आता अल सायराफी कहते हैं कि उनका इरादा वर्ष 2000 में ही रेस्टोरेंट शुरू कर देने का था। इत्तेफाक से उसी दौरान अरब स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हो गया और उन्हें अपनी योजनाएं टालनी पड़ी। कई साल इंतजार करने के बाद दोनों भाइयों ने वर्ष 2018 में इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू किया और अब यह रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। चलते हैं अगली न्यूज पे। दुनिया भर के कई शहरों में लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जीवनयापन काफी महंगा हो गया है और लोगों को रहने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि इस बीच इटली के कुछ गांव ऐसे भी हैं तो अपने यहां बसने के लिए लोगों को लाखों रुपए दे रहे हैं। इटली का कैलेब्रिया क्षेत्र जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है और फिलहाल इस क्षेत्र के 75% से अधिक कस्बों में वर्तमान में 5000 से कम लोग ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों में जनसंख्या की समस्या का सामना कर रहे इटली के कई शहरों ने औने पौने दामों पर घरों की पेशकश की है। इस साल इटली के बेसिलिकाटा क्षेत्र के लॉरेंजाना शहर में 1 यूरो में घर बिक रहा था। इटली का कैलेब्रिया क्षेत्र लोगों को यहां बसने के लिए 28,000 यूरो यानी करीब 24.76 लाख रुपए देगा। हालांकि बसने वाले लोगों को इनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। इटली के कैलेब्रिया क्षेत्र में बसने के लिए उम्र सीमा तय की गई है और इसके लिए आवेदन करने वालों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नया व्यवसाय शुरू करना होगा। जो लोग यहां शिफ्ट होना चाहते हैं उन्हें अपने सफल आवेदन के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। चलते हैं अगली न्यूज पे। किरिबाती के पास प्रशांत महासागर में ऐसा दुर्लभ ऑक्टोपस ग्लास ऑक्टोपस पाया गया है जिसकी स्किन पारदर्शी है। इस ऑक्टोपस के शरीर के आर पार देखा जा सकता है। ऑक्टोपस के शरीर के अंदर के अंग और पाचन तंत्र साफ दिखाई देता है। रिसर्चर्स ने इस दुर्लभ ऑक्टोपस को प्रशांत महासागर की गहराइयों में देखा। इस ऑक्टोपस का नाम विट्रिलिडनेला रिचर्डी है। साल 1918 में पहली बार इस पारदर्शी ऑक्टोपस के बारे में पता चला था।
कुछ लोग इसे ग्लास ऑक्टोपस भी कह रहे हैं। ग्लास ऑक्टोपस को कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में तैरता है, वहां तक जाना आसान नहीं है। ग्लास ऑक्टोपस के मेंटल की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, वही इसके पूरे शरीर की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। ग्लास ऑक्टोपस प्रशांत महासागर में फीनिक्स आइलैंड्स के पास रिसर्च के दौरान पाया गया। रिसर्चर्स ने यहां स्टडी के लिए 34 दिन बिताए। फीनिक्स आइलैंड्स दुनिया के सबसे बड़े कोरल इकोसिस्टम में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ।